हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंचित भटनागर फ्रॉम प्रोटीन प्लैनेट इंदौर और आज मैं आपके सामने दो प्रोडक्ट रख रहा हूँ, मसल टेक के नाइट्रोटेक। और ये एक बहुत ही नोन ब्रांड है जो वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड है और 20 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस ब्रांड है यूएसए का। तो मसल टेक जो नाइट्रोटेक प्रोटीन है, ये आपको मार्केट में काफ़ी फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल रहे हैं इस समय में। मार्केट में आप देखोगे कि आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि नाइट्रोटेक ओरिजिनल कौन सा है और नकली कौन सा है। आपके सामने दो बॉक्स में रख रहा हूँ जिसमें एक डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है, लेकिन आपको देखने में दोनों सेम लग रहे होंगे। एक बारी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, लेकिन क्योंकि मुझे काम करते करते 10 साल हो गए हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। कुछ डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या डिफरेंस है। जैसे आप देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट साइड में है नाइट्रोटेक जो 4 LB का है और वेनिला फ्लेवर है, और मेरे राइट साइड में है मिल्क चॉकलेट फ्लेवर नाइट्रोटेक 4 LB। ये भी आपको नाइट्रोटेक 4 LB है और ये भी नाइट्रोटेक 4 LB है, लेकिन डिफरेंस आप देखोगे तो आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी नाइट्रोटेक खरीदें या मसल टेक के कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो आपको ऑफिशियल इम्पोर्टर जो है वो है एमपीएन। एमपीएन जो ऑफिशियल इम्पोर्टर है, आप इसको देख के ही परचेस करें। और इसमें आपको बारकोड भी आता है जो आपका स्क्रैच करने को मिलता है। आपको यहाँ पे बारकोड लगा हुआ है जिसको स्क्रैच करके आप इसकी ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हो। और डुप्लीकेट जो नाइट्रोटेक आता है उसमें ऑफिशियल इम्पोर्टर का टैग नहीं होता, इसमें कोई भी टैग होता है। जैसे इसमें SSIC का टैग लगा हुआ है और इसमें WNN आता है, CNN आता है, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इम्पोर्टर का होलोग्राम कॉपीराइट करके और ये अपने अपने नाम से बेचते हैं। तो ये आप पहली सावधानी आपको ये रखना है कि आपको जब भी नाइट्रोटेक या मसल टेक का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको ऑफिशियल इम्पोर्टर MPN का ही देख के खरीदना है। दूसरा, आप देखोगे जार में, डिफरेंस में बताता हूँ आपको कि क्या डिफरेंस है इसके जार में। क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इसकी जो श्रिंक पैकिंग देख रहे हो आप, ये श्रिंक पैकिंग में आपको क्वालिटी समझ में आएगी। जैसे इसमें आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा रेम्बो वाला शो होगा। जैसे आप लाइट में देखोगे तो ये रेम्बो स्पार्कल करेगा, ये रेम्बो इसमें आपको दिखेगा इसके रेपर में, और इसमें आपको रेम्बो नहीं दिखेगा। आप जब इस डब्बे को ऐसे आप इसको लाइट में देखोगे तो आपको रेम्बो नहीं नज़र आएगा। देन सेकंड डिफरेंस है इसकी पैकिंग में। इसकी पैकिंग आपको जार सेम है, थोड़ा सा जार इसका छोटा होता है। और इसके बाद आप देखोगे कि इसकी जो सील होती है, ये जो ढक्कन के ऊपर जो सील होती है, ये काफ़ी जो फाउंट इसमें लिखा होता है, मसल टेक का जो मोनो है जो इसमें आपका लिखा होता है, वो मोनो काफ़ी उभरा हुआ रहता है। देन दूसरी बात है कि इसकी एक्सपायरी जो होती है वो ब्लू कलर, रेड कलर या लाइट ब्लैक कलर से होती है। तो इसमें आप डिफरेंस समझ में आता है आपको कि आप ब्लू कलर की अगर इम्पोर्टर की एक्सपायरी सील है तो ये फेक है। देन इसके अंदर जो फाउंट होते हैं वो फाउंट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। सप्लीमेंट फैक्ट जो लिखा हुआ है इसके सप्लीमेंट फैक्ट में और इसमें आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा आपको। देन इसका जो होलोग्राम आप देखोगे इनबिल्ड होता है, ये गोल्डन कलर का होता है, जो 70% बेटर देन वे लिखा हुआ है, ये गोल्डन कलर से लिखा होता है। आप देखोगे कि ये गोल्डन शाइन मारता है ये गोल्डन, और ये येल्लो टाइप से होता है क्योंकि ये जो प्रिंट होती है ये इंडिया में होती है और आजकल चाइनीज़ भी आ रहा है। आप देखोगे कि गोल्डन के गोल्डन में भी दिखेगा, लेकिन आप देखोगे कि ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो MP में कौन है या नॉर्थ ईस्ट में कौन है या दिल्ली में कौन है, इसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर मसल प्रो न्यूट्रिशन जो MPN का मैंने आपको बताया। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर नाइट्रोटेक खरीदना चाहिए। काफ़ी मार्केट में 3200, 3600, 3400, 3600 में आपको नाइट्रोटेक मिलता है। वो सब डुप्लीकेट और फेक प्रोडक्ट है जिस पे आपको कहीं बारी सील नहीं मिलती, ऑफिशियल इम्पोर्टर की होलोग्राम वाली स्टिकर नहीं मिलती। तो आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदें। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट में क्या है।
आपको बॉक्स खोल के बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट में क्या है, ये इसकी सील है। और सील होने के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें एल्यूमिनियम फॉइल वाला सील आता है और जो ओरिजिनल नाइट्रोटेक रहता है उसमें आपको कागज़ वाला आएगा, जो कार्डबोर्ड वाला रहता है वो रहता है इसके अंदर। ये आपका डुप्लीकेट प्रोडक्ट है और इसका जो पाउडर है वो वाइट रहेगा, चॉकलेट में चॉकलेट रहेगा, लेकिन वाइट पाउडर काफ़ी पतला रहेगा। ये मिल्क पाउडर होता है बेसिकली, और ये जो होता है ये 150 to 200 रुपीस पर केजी के हिसाब से मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो आप इसको देखोगे, इसमें जो स्कूप निकलती है वो ब्लैक कलर की निकलती है। आप देखोगे ओरिजिनल में आपको वाइट स्कूप निकलेगी, इसमें ब्लैक कलर की स्कूप निकलेगी। ब्लैक कलर की स्कूप होने के बाद ये प्रोडक्ट को अभी मैं डिजोल्व करूँगा तो आपको पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। एक्चुअली ये है मिल्क प्रोटीन और इसमें अरारोट पाउडर होता है, देन इसमें फ्लेवर एड ऑन करते हैं ये वेनिला फ्लेवर। तो ये काफ़ी चीप प्रोडक्ट है, ये इजीली दिल्ली में बन जाता है, 300 से 400 रुपए में पूरा बॉक्स मिल जाता है। और ये आपको यहाँ पे जब आप परचेज करते हो तो 3,500-4,000 रुपए में आपको कोई भी दुकानदार देता है। इसका जो वेनिला फ्लेवर है ये वेनिला हो गया है। डिजोल्वेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें गटले बन जाते हैं, इसे देखेंगे आप कि ये गटला बनता है इसमें, और ये इजीली डिजोल्व नहीं होता क्योंकि इसमें अरारोट पाउडर भी होता है, देन वेनिला फ्लेवर होता है। आप देखोगे कि ये दूध पाउडर का रहता है, दूध पाउडर रहता है ये, और दूध पाउडर में ये वेनिला फ्लेवर एड ऑन कर देते हैं। इसको काफ़ी शेक करने के बाद इसमें गटले बन जाते हैं, जैसे आप स्प्रिंग में देख रहे होंगे कि ये कुछ लम्स बन जाते हैं जो डिजोल्व नहीं होते। और ये काफ़ी नुकसान करता है बॉडी को, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में कंज्यूम करने के बाद ये धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर आपके जो ऑर्गन्स है उसके अंदर ये जमने लगता है, क्योंकि इसमें अरारोट पाउडर होता है। कुछ फ्लेवर ऐसे होते हैं जो डिजोल्व नहीं होते पानी के अंदर, और कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो लीवर और किडनी में हार्म करती है, क्योंकि इसमें मेडिसिन का भी यूज़ होता है। वो मेडिसिन जो आपके लीवर किडनी पे असर करके आपको भूख लगाती है, फ़ायदा होगा आपको लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो बी केयरफुल दोस्तों, और इसमें आपको जब भी आप नाइट्रोटेक खरीदें तो ऑफिशियल इम्पोर्टर का ही खरीदें, देन ऑफिशियल इम्पोर्टर का ख़रीदने के बाद उसका GST वाला बिल लें और आप उसको स्क्रैच करके ऑथेंटिसिटी चेक करें। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब भी आप ये डुप्लीकेट नाइट्रोटेक भी परचेस करते हो तो आप अगर बारकोड से इसको स्कैन करोगे, जैसे ये बारकोड है, और आप इसको बारकोड से स्कैन करोगे तो ये इजीली स्कैन हो जाएगा। ये देखिए, ये बारकोड मैंने स्कैन किया प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट सर्च किया और ये नाइट्रोटेक 4LB वेनिला फ्लेवर ये आपको खुल गया। तो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप उस चीज़ का कंफर्मेशन कर लें, क्योंकि जो डुप्लीकेट बनाने वाले होते हैं वो बारकोड भी इसका ओरिजिनल डाल देते हैं, जिसके कारण कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और वो ख़रीद लेता है। तो आप जब भी खरीदें तो ऑफिशियल इम्पोर्टर का ही खरीदें, MPN का ही खरीदें। और दूसरी बात है, आप दुकानदार से उसका परचेस बिल भी पूछ सकते हैं कि आपने जहाँ से ये परचेस किया है उसकी इनवॉइस कॉपी आप मुझे दिखाओ, तो मैं आपको उसका बिल भी बताता हूँ कि मैंने परचेस किया तो उसका मैं बिल बताता हूँ कि MPN से मैं परचेस करता हूँ, प्रोटीन प्लैनेट मेरी फर्म का नाम है और ये MP की ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टोर है, तो इसका मैं आपको बिल भी बताता हूँ। तो गाइज, आप ये देख सकते हैं, ये MPN का बिल है, ऑफिशियल बिल है जो प्रोटीन प्लैनेट को जो बिलिंग हुआ है MPN से। और ये आप प्रोडक्ट देख सकते हैं नाइट्रोटेक, ये नाइट्रोटेक मेरी परचेज है। तो आप ये बिल भी देख सकते हैं, इन केस आप अगर किसी भी स्टोर पे जाते हैं तो आपको ये बिल मिल जाएगा, और इस बिल को आप देख के ही परचेस करें, या आप पूछ सकते हैं कि आपको अगर दुकानदार के ऊपर कंफ्यूजन है, वो आपको बोलता है कि ये मैंने ऑफिशियली इंपोर्ट किया है या मैंने ऑफिशियली परचेस किया है, तो आप इसका बिल भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।